हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, और देखिए मेरे स्टाइल में। ये मैंने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, और ये आधी कटोरी मैदा है, और एक चम्मच मैंने घी लिया है इसमें, और जो है एक चुटकी जो है मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे इसी तरह से। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए तो हमें थोड़ा सा दूध लेना है, और दूध से हमें थोड़ा 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 करके इसको मिक्स करना है। इसे हमें गूंथना नहीं है, और इसे गीला भी नहीं करना है ज़्यादा, और बिल्कुल हमें थोड़ा सा बस बाइंड करना है इसे, और इसका एक डो तैयार रखना है। और ये दूध हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और ये दूध जो है मैंने रूम टेम्परेचर के हिसाब से लिया है। और ये देखिए इसका डो तैयार है, ये मैंने ज़्यादा गूंथा नहीं है। ये इस तरह से आप डो तैयार कर देंगे, और अब जो है हम इसे ढक्कन लगा के साइड में रख देंगे। इसके ऊपर कपड़ा या कटोरी कुछ भी आप रख सकते हैं, इसे अलग कर देंगे क्योंकि ये उसके बाद सूख जाएगा वरना। और देखिए हमने अलग कर दिया है। अब हम जो है चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम मैंने एक कटोरी चीनी ली है, और उतना ही पानी लिया है, और उसके बाद हम इसे मेल्ट कर देंगे। और देखिए हमने 8-9 मिनट तक कम से कम इसे पकाना है, और चीनी एकदम से घुल जाती है। अब ये घुल चुकी है चीनी, और देखिए अब मैंने एक चुटकी जो है इसमें केसर डाला है, और केसर ज़रूरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा एक फ्लेवर आ जाता है इससे। और एक चुटकी मैंने ये इलायची का पाउडर लिया है, इसे हम मिक्स कर देंगे। कोई कोई इस जगह पे अभी फूड कलर भी डालते हैं कहीं, लेकिन मेरे पास फूड कलर नहीं था, ये केसर था, तो मैं केसर ही यूज़ करूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया है, इसमें कच्चापन नहीं आना है पानी का कलर। और ये बिल्कुल रेडी है, 8-9 मिनट हो चुके हैं इसको पकाए हुए, और इसको हम अलग रख देंगे। अब हम इसमें कढ़ाई रख देंगे, और ये जो डो बन रखा था हम इसे चेक करेंगे किस तरह से हुआ है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया जैसा हमें चाहिए था वैसे ही डो तैयार है ये। और ये देखिए अब हम इसकी लोइयां तोड़ के इसकी गोली बना देंगे। छोटी छोटी गोली बनाएंगे हम, क्योंकि इसके बाद ये जब तेल में जाती हैं फिर चाशनी में जाती हैं थोड़ा इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो हम छोटी छोटी इसकी गोलियां बनाएंगे। मैंने हाथों पे घी लगा दिया था पहले ताकि ये हाथ पे चिपके ना, और इस तरह से हम इसकी गोली बना देंगे। देखिए इसी प्रकार हम दूसरी भी लेंगे, और देखिए इसकी भी ऐसी ही गोली बनाएंगे। और देखिए ये भी तैयार है। अब जो है सारे हमने बना दिए हैं गोले, और ये कम से कम 12-13 गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। और मैंने तेल को पहले बहुत गर्म किया है, कच्चा नहीं है तेल, और फिर इसको बिल्कुल ठंडा कर दिया है। अब जो है धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे ये गुलाब जामुन तेल में, और ये जो है मैंने तेल बिल्कुल ठंडा रखा है। पहले एक बार मैंने तेल को गर्म कर दिया था, फिर मैंने ठंडा किया है, इतना ध्यान रखना। गर्म तेल में इनको नहीं पकाना है ज़्यादा, क्योंकि ये एकदम जल जाएंगे। ये बाहर से जो है इसकी स्किन जल जाएगी, और ये अंदर जो है कच्चे रहेंगे, इसीलिए बिल्कुल ही ठंडा तेल। और इसी चम्मच की सहायता से हम इसको ऐसे पलटाते रहेंगे, लेकिन मैंने तेल को एक बार पहले गर्म कर दिया था, उसके बाद मैंने ठंडा किया है तेल, कच्चा नहीं है तेल। और इस तरह से हम इसको जो है कढ़ाई को हिलाएंगे, क्योंकि ये जो है एक ही आकार में फिर पकेंगे। अगर कढ़ाई को हम इस तरह से हिलाएंगे तो इस तरह से ये ब्राउन हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा हमें और क्रिस्पी करना पड़ेगा। और ये देखिए इस तरह से कढ़ाई को इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से हमें इन्हें पकाएंगे, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ये जल जाएंगे, और सिर्फ बाहर से ही जलेंगे, इनका अंदर तो बिल्कुल कच्चा ही कच्चा पैन रहेगा। इसीलिए हमें इसी तरह से देखिए कढ़ाई हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। भाई मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और इस तरह से चम्मच हम ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि चम्मच से उसमें कट लगने का डर रहता है। अब देखिए और ये बन चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल देंगे एक एक करके, और इन्हें जो है उसके बाद हम चाशनी में डाल देंगे तुरंत। और ये हमने चाशनी रखी थी ना अलग, इसमें हमने ये डाल दिए हैं। अब हम दूसरा बैच तैयार करेंगे, उसके बाद भी मैंने तेल एकदम ठंडा कर दिया था, और देखिए तेल बिल्कुल ठंडा है,
और इसी तेल में हम ऐसे आराम आराम से इनको पकाएंगे। और इसी तरह से मैं ये कढ़ाई जो है हिलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल एक शेप में वैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए, कहीं पे कच्चे कहीं पे इस तरह से ना पके ये। और ये देखिए इस तरह से, चम्मच का यूज जितना कम हो उतना सही है, क्योंकि चम्मच से जो है कट लगने का डर रहता है। तो हम इसी तरह से कढ़ाई को घुमाते रहेंगे और इसी तरह से देखिए इन्हें फ्राई करना है। बिल्कुल कम आंच में कर रखा है मैंने। अब ये भी ब्राउन हो चुके हैं, लेकिन जैसा आपको पसंद है, आप उसे आपको इस पसंद है तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं इन्हें, लेकिन हमें थोड़ा सा और डार्क करना है इन्हें। अब ये देखिए ये भी तैयार है। अब ये दूसरा बैच भी बिल्कुल हमारा रेडी है। इनको भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए और देखिए कैसे बने हैं। और इनको भी हमने इसी में चाशनी में डाल दिए हैं सारे को, और इनको कम से कम एक घंटे के लिए हम ऐसे ही बंद करके रख देंगे। एक घंटे के बाद हम चेक कर रहे हैं इस समय, और इस तरह देखिए कितने फूल गए हैं चाशनी में आके ही, और ये कुछ इस तरह से बने हैं। देखिए एक घंटे के बाद चेक कर रही हूँ मैं इन्हें, और आप देखिए कैसे बने हैं, बने हैं ना बाजार जैसे। थोड़ा सी मेहनत लगती है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन घर में वो चीज़ आसानी से अगर हम प्यार से बनाएंगे तो घर में ये चीज़ें बन सकती हैं। और देखिए हम सर्व कर रहे हैं अभी। थोड़ा सा हमें सावधानी की ज़रूरत है और प्यार की ज़रूरत है, हम ये चीज़ आराम से बना सकते हैं घर पे। और देखिए मैंने चाशनी ऊपर से डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर से, और लीजिए आप भी लीजिए और एक एक निकाल लिए आप भी। और ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, आप कहेंगे ना कि तोड़ के दिखाओ फिर, है ना। तो ये देखिए ये कितने और कितने टेस्टी बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे ये गुलाब जामुन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।